असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम विद द न्यू टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री दैट इज सेकेंड ईयर एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन दैट इज़ प्रियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पिरोडिसिटी अब बेटा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न पिरोडिक्टेबल वट इज़ प्रियोडिक्टेबल असल में बेटा जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स हैं यानी एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल अब पीरियोडिक टेबल की वजह से हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एज़ इट इज़ नहीं आ गया इसके पीछे एक हिस्ट्री है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने जो है अपना अपना किरदार अदा किया और उसमें जो नॉमिनेटेड है मेन अलराजी था डुबनियर यू हैव स्टडी इन नाइन्थ क्लास उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टिव था उसने अपना जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया उसके बाद मैंडिव के बारे में आपने सुना होगा अब ये सारी बातें जो आप पहले पढ़ चुके हो इसमें जो बेसिक जो था टेबल की जो बेस थी दैट वाज एटॉमिक मैथ लेकिन जैसे जैसे हम मतलब आगे की तरफ आए साइंस मॉडर्नाइज हुई तो हमें पता चला कि एच मोजले ने एक नंबर जो नई टर्म थी वो डिफ़ाइन की और उसके बाद हमें पता चला कि जो पीरियोडिक टेबल है इट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और एक पीरियोडिक टेबल बना दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हेयर इज द टॉपिक द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एपिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है If the elements are arranged in ascending order of ऑर्डर atomic number the chemical properties repeat in periodic manner और इसको आप यूँ भी पढ़ चुके हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिओडिक फंक्शन ऑफ देर अटोमिक नंबर यानी जो मेन डिफरेंस था इतने सारे साइंटिस्ट ने पीडोडिक टेबल बनाया और अल्टीमेटली अब हम मॉडर्न की बात करते हैं जो उसमें बेसिक डिफ्रेंस था वो यही था कि जितने भी साइंटिस्ट थे देवर अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक मैसेज लेकिन जो अब हमारी अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल की जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो दिस वाज दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोजले इन 1911 ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया इसेंशल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेस है बुनियाद है एटॉमिक नंबर है और अटामिक नंबर बेटा कई हवाले से जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है अटामिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट दैन अटामिक मैस यानी अटामिक मैस की नस्बत जो अटामिक uh, नंबर है दैट इज़ अ फंडामेंटल यानी एक बुनियादी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की अटोमिक नंबर इज़ अ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट अटामिक नंबर किसी भी एलिमेंट की शनाख्त है यानी इफ़ आई से अटामिक नंबर सिक्स यू वुड से कार्बन अगर मैं आठ कहता हूँ यानी एटॉमिक नंबर एट जूट से ऑक्सीजन तो किसी भी एलिमेंट की आप कह लें कि शनाख्त है बुनियादी एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज़ अ होल नंबर यानी एटॉमिक नंबर में पॉइंट्स नहीं है जैसे लेट से आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेवनटीन है लेकिन एटॉमिक मास इज़ थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है तो जो एटॉमिक मास है उसमें आप कह लें डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाती हैं बट एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज़ अ होल नंबर अब हम कुछ इसमें जो मेन आप कह लें इसेंशियल फीचर्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि टेबल में मेन मेन चीज़ें क्या हैं जैसे उसमें ग्रुप्स हैं पीरियड्स हैं ठीक है उसके बाद आपने ब्लॉग्स uh, पढ़े तो उसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप्स एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम कार्ड ग्रुप्स कि एलिमेंट्स की ऐसे एलिमेंट्स जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं सेम हैं उनको एक ही ग्रुप में जो है वो कंसिडर किया जाता है और इसके लिए नंबरिंग दी जाती है यानी हम कंसिडर करते हैं देर आर टोटल एट ग्रुप्स ठीक है अब वो टोटल जो एट ग्रुप्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं एक एस उनको यानी ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं अब उनमें ए सब ग्रुप्स हैं और बी ए यानी वन ए टू ए थ्री ए अप टू एट ए इसी तरह वन बी टू बी थ्री बी अप टू एट बी तो टोटल एट ग्रुप्स हैं उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करें तो टोटल सिक्सटीन बन जाते हैं आठ ए के हैं और आठ बी के हैं तो दीज आर एट ग्रुप्स टोटल एट ग्रुप्स हैं विच आर यूजली नंबर्ड बोमन नोमैरल हैं उसमें रोमन वन से एट तक अब दो टाइप के आप कह लें सब ग्रुप्स हैं एक को ए कहते हैं एक को बी जो ए सब ग्रुप्स हैं कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स यानी इनको इनमें नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं और जो बी सब ग्रुप जिनके साथ लगता है यानी वन बी टू बी थ्री बी अप टू एट बी कंटेन लेस टिपिकल एलिमेंट्स हैं उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं और उसमें जो प्रोडिक टेबल का सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं वो भी हैं और जो वन ए टू ए अप टू एट है वो सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स एक प्रोडिक्ट मतलब ग्रुप में होते हैं उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ वो सेम होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है वेल शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीरियड्स की तो देर आर टोटल सेवन पीरियड्स और जो उसमें जो जैसे हमने वहाँ पे कहा कि वहाँ पे जो नुमरल्स हैं ठीक है वो रोमन नुमेरल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे अरेबिक नुमरल्स यूज़ करते हैं वन टू सेवन the period there are seven periods in the periodic table the period one contain only two elements in total uh, jo periodic table है तो ये modern periodic table usme total seven periods hain ab pehle period mein total uh, two elements hain jisme sirf hydrogen hai aur helium hai और उसके बाद जो second और third period है आपका second आपका लिथियम से start हो रहा है third आपका सोडियम से start हो रहा है the periods two and three contain eight elements यानी उनमें आठ आठ elements है दोनों में एंड दे आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट पीरियड ऑल द एलीमेंट्स इन दीज पीरियडस आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और वो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं अब ये जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच होती हैं कैसे लीथियम एंड ब्रिलियम इन द सेकेंड पीरियड रिजेंबल द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ विथ सोडियम एंड मगनीशियम यानी अगर आप देखो लीथियम uh, है सेकेंड पीरियड का स्टार्टिंग और उसके नीचे बिल्कुल सोडियम है इसी तरह बेरिलियम है जो दूसरा एलिमेंट है सेकंड पीरियड का और मैग्नीशियम है दूसरा एलिमेंट थर्ड पीरियड का तो लिथियम के नीचे सोडियम है उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होती हैं बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होती हैं इसी तरह अगर और एग्जाम्पल्स हैं बोन एंड अल्मीनियम बोथ शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थ्री यानी बोर के नीचे एलमियम है यानी अगर आप इसी तरह चलते जाएँ सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो तीसरा एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का दैट इज़ बोरोन और उसके बिल्कुल नीचे एलमिनियम है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं इसी तरह आगे आप चलें जो सेकेंड लास्ट आपका एलिमेंट है सेकेंड और थर्ड पीरियड का दैट इज़ फ्लोरिन और उसके बिल्कुल नीचे क्लोरिन है ठीक है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच होती हैं तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होती हैं बिकॉज दोनों बिलोंग करते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स से दैट इज़ ए सब ग्रुप्स तो पहले में सिर्फ दो हैं ठीक है और दूसरे और तीसरे में आठ आठ हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं नेक्स्ट जो डी पॉइंट है दैट इज़ द पीरियड फोर एंड फाइव कंटेन एटीन एलिमेंट्स हैं उनको हम फिर क्योंकि दोनों में अठारह अठारह हैं चौथे और पाँचवें पीरियड में तो हम इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं अब अगर उसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन की जाए यानी एटीन एलिमेंट्स टोटल हैं उसमें जो आठ हैं यानी आउट आउट ऑफ ऑफ एट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी सी, उनको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और जो बाकी दस हैं वो सेंटर ऑफ द प्रोडिक टेबल हैं यानी वो बी ग्र जो बी आपका सब ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इन दीज पीरियड्स रेपिटिशन और प्रॉपर्टीज़ अमंग द एलिमेंट्स अक्कर आफ्टर एटीन एलिमेंट्स क्योंकि टोटल एटीन तो अठारह एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो मैच कर रही होती हैं एज आफ्टर पोटाशियम नाइनटीन हैविंग यानी जो अटामिक नंबर नाइनटीन है पोटाशियम का उससे नेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है देट इज़ री सेवन देन ई पॉइंट है द पीरियड सिक्स कंटेन थर्टी टू एलिमेंट यानी जो पहले जिसमें कम थे उसको हमने शॉर्ट कहा फिर लॉन्ग कहा ना जो uh, सिक्स पीरियड है दैट इज़ वेरी लॉन्ग ठीक है इसमें यानी कि थर्टी टू एलिमेंट्स हैं इन दिस पीरियड दिस आर एट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन नॉर्मल हैं और टेन उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एंड अ न्यू सेट ऑफ फोर्टीन एलिमेंट्स हैं जो उनको लेंथा नाइट्स कहते हैं यानी लेंथन आइट्स जो हैं उस अगर आप थर्ड एलिमेंट पर जाएँ तो लेंथनम से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है तो इनको हम लेंथन कहते हैं अब क्योंकि ये टोटल एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए हम इसको वहाँ पे पुट नहीं करते बल्कि इनको बिल्कुल बॉटम में हम लिख देते हैं उनको हम कहते हैं लेंथन सीरीज़ है। लेंथा नाइट्स हैव रिमार्केबली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजली नोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द प्रोडिक्टेबल यानी जो लेंथा नाइट्स हैं और एक्टा नाइट्स हैं उनको सेपरेट प्रोडिकबल में रखा गया वक्या गया क्योंकि अगर वहाँ पर पुट कर दें हम सिक्स और सेवंथ पीरियड में यानी सिक्स में लेंथा नाइट्स हैं और सेवंथ में एक्टा नाइट्स हैं तो प्रोडिक्टेबल की जो खूबसूरती है वो जो है वो ख़राब हो जाती है इसीलिए उसको बॉटम में रखा जाता है द सेवन पीरियड इज़ इनकम्प्लीट सो फॉर यानी उसमें जो जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं वो उसमें आते जा रहे हैं इट कंटेन ओनली टू नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ठीक है बाकी जो हैं इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें एक्टानाइट्स भी हैं और वो जो बॉटम में पड़े हुए हैं नेक्स्ट बेटा थर्ड आप कह लें कि मेन इसका जो फीचर है टेबल का दैट इज फैमिलीज़ इन पीरियड्स ठीक है अब फैमिलीज़ यानी जो टोटल सेवन पीरियड्स हैं उनको हम कुछ को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ठीक है इसी तरह जो बॉटम में बड़े हुए कुछ को लेंथन आइट्स कहते हैं एक्टन आइट्स कहते हैं तो ये एक फैमिली ने, नेम दिया हुआ यानी जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनको एक फैमिली नेम दिया हुआ है कॉमन नेम दिया हुआ है इसी तरह फैमिलीज़ इन ग्रुप्स यानी जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वन ए उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं अब अल्कली मेटल क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिसमें लिथियम है सोडियम है पोटाशियम एंड सो ऑन ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाइन यानी अल्कलीज बनाते हैं बेसिस बनाते हैं तो इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं यानी ऐसे मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं इसी तरह जो टू ए उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं अब क्यों कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं और उन ये अल्कलाइन नेचर भी रखते हैं हेलोजन्स हेलोजेंस का जो लफ्जी मतलब दैट इज़ साल्ट फॉर्मेशन तो ये जो आपका सेवन ए है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये साल्ट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं इनको हम फिर इसीलिए हेलोजन्स कह देते हैं नोबल नोबल मतलब शरीफ गैसेज तो शरीफ गैसेज मतलब ये रिएक्टिविटी बहुत कम शो करती हैं जिसको आप एट ए ग्रुप भी कहते हैं जीरो भी कहते हैं जिसमें हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन एंड एक्सेट्रा इसी तरह जो नेक्स्ट मेन फीचर यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोडिक टेबल उसमें हमने पढ़ा कि ग्रुप्स होते हैं देन वी हैव अ पीरियड्स फिर हमने कहा कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं थर्ड एंड फोर्थ इज़ नाउ ब्लॉक्स इन पेडिक्ट टेबल आपको जो पूरा प्रोडिक टेबल है बेटा उसको यानी फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और वो बुनियाद क्या है उसकी बुनियाद ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो वेलेंस शैल है वो कंप्लीट है या इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जिस सबशेल में आ रहा है या किसी भी एलिमेंट का जो सबशेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है यानी मुकम्मल होने के मराहल में है उसकी बुनियाद पे हम कह देते हैं कि ये ब्लॉक है यानी अगर किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरीशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद अगर किसी का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो इट शुड बी इन द एस ब्लॉक अगर पी में आ रहा है तो इट शुड बी इन द पी ब्लॉक तो एस पी डी एंड एफ एलिमेंट्स ऑफ वन एनि टोटल आपके पास आठ ए के ग्रुप हैं और आठ बी के हैं उनमें से वन ए एंड टू ए सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग हेलियम आर कार्ड एस ब्लॉक बिकॉज देर वेलेंस इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन एस ऑन यानी इनको आखिरी इलेक्ट्रॉन आपके सामने एक सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिखाई गई उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा था इट शुड बिलोंग टू दी एस ब्लॉक अब पी ब्लॉक जो है बेटा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें थ्री ए से लेके यानी पहला और दूसरा एस है के हैं और बाकी जो राइट right साइड है आपकी प्रोडिक टेबल की थ्री से लेके एट ए तक वो सारे के सारे पी ब्लॉक में है क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन या जो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है दैट इज़ पी ब्लॉक क्लोरिन की एग्जाम्पल है अब डी ब्लॉक जो है बेटा वो इसलिए हम कहते हैं कि जो उनका जो वेलेंस शेल है वो डी होता है और वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है यानी डी के किसी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एफ़ जो है उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एफ़ ऑर्बिटल में होते हैं वो इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है यानी कंप्लीट नहीं होता तो जो जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है जो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है उसकी बुनियाद पे उसको ब्लॉक का नाम देते हैं एंड दे आर एक्चुअली एस पी डी एंड एफ़ ब्लॉक नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं मजीद कुछ एंड देन इज़ यानी जो सेल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें मेटल्स नॉन मेटल यानी पीरियोडिक टेबल को हम मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटल की बुनियाद पे भी कह सकते हैं मेटल्स जनरली द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड इन द सेंटर एंड द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स यानी जो लेफ्ट साइड पे हैं कुछ सेंटर में हैं और बाकी जो बॉटम पर पड़े हुए हैंड्स और ऑल दीज आर मेटल्स अब नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द नॉन मेटल यानी राइट कॉर्नर के जो ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं इन द टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वो फोर ए टू एट एट द टॉप राइट एंड एंड हैंड कॉर्नर अब स्टेप लाइन आर नॉन मेटल्स यानी कुछ इसमें नॉन मेटल्स हैं मेटेलाइट एलिमेंट्स स्पेशली लोअर मेम्बर ऑफ ग्रुप्स जो है थ्री ए फोर एंड फाइव ए है सेम प्रॉपर्टीज मेटल एज वेल यानी जो मेटल्स आप जानते हो जो कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स बेसिकली नॉन कंडक्टर होते हैं मेटेलाइट दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं या उनको आप सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं या मेटलाइट्स कहते हैं जिसमें सिलिकॉन है आर्सैनिक है चिलोरियम है दीज आर द मेटलाइट नेक्स्ट वी है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कल ट्रांजिशन एलीमेंट बिकॉज दे आर लोकेट बिटवी द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे प्रॉपर्टीज़ आर इन ट्रांजिशन बिटवीन द मेटेलिकलीमेंट्स और देश ब्लॉक एंड नॉन मेटेलिक यानी वो, वो, वो ट्रांजिशन हो रही होती है तब्दीली आ रही होती है कि जो हैं वो मेटल से नॉन मेट मेटेलिक करेक्टर से नॉन मेटेलिक की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं इसीलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो यानी दे प्रॉपर्टीज़ आर गोइंग टू चेंज ट्रांजिट हो रही हैं चेंज हो रही हैं इसीलिए उनको यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की और कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ गिवन है बेटा ये आपने कर लेनी है ठीक है तो ये बेटा आज का हमारा जो है मॉडर्न पीरॉडिक टेबल का एक इनिशियल लेक्चर था इनिशियल नेक्स्ट हम जो पीरॉडिक ट्रेंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें एटॉमिक साइज अनाजेशन एनर्जी एंड एक्सेट्रा तब तक के लिए बेटा इजाजत है अल्लाह हाफिज़